आस्का ने ज्वाइन कर लिया है डैमेज कंट्रोल को रोमन रेंस की अनुपस्थिति में। एलए नाइट वर्सेस जिमी उसो कंफर्म। प्लस 200 सीएम पंग ने अपने रिटर्न के बड़े टीजर गिरा दिए हैं। तो आप सब लोगों को छोटी दिवाली है मुबारक। और दोस्तों आज की वीडियो काफी दासू होने वाली है, छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आपको मैं वीडियो की शुरुआत में देता हूं। और गाइस बताऊंगा स्मैकडाउन के बारे में, स्मैकडाउन कैसी मुझे लगी है तो दोस्तों वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन शुरुआत दोस्तों काफी शॉकिंग थी मेरे लिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो एंट्री थी ना वो थी केविन ओव्स की। केविन ओव्स आए और दोस्तों उन्होंने कोई मैच नहीं दिया, कमेंट्री टेबल पर जाकर बैठ गए, क्योंकि दोस्तों जो कोरी ग्रेव्स है उनके हाल फिलहाल में लड़का हुआ है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, नहीं देखिए जाकर देख सकते हैं, वहां मैंने आपको बताया था कि उनके लड़का हुआ है। और ऐसे में दोस्तों कोरी ग्रेव्स नहीं आ पाया आज की स्मैकडाउन में। वहां दोस्तों ओवंस आकर दोस्तों उनकी जगह लेते हैं कॉमेंट्री टेबल पर, कॉमेंट्री करना शुरू करते हैं। और शॉकिंग था मेरे लिए ये चीज भी कि वहां ओवंस का गला बैठा हुआ है। अब गाइस सबसे पहले एंट्री होती है एलडब्ल्यूओ की, रे मिस्ट्रो प्रोमो काटते हैं, ये चीज कहते हैं लोगन पॉल जो है उसने काफी गलत किया। अगर ब्रास नकल नहीं होता उसके पास वो मुझे नहीं हरा सकता था। क्राउन जोल के अंदर वो यूएस चैंपियन बन चुका है लेकिन वो अपने दम पर नहीं जीता है। इस पर दोस्तों एंट्री हो जाती कार्लिटो की। कार्लिटो एलडब्ल्यू के साथ नहीं आ रखे थे, कार्लिटो ने आते सार दोस्तों जो चीज कही ना मेरे होश फाख्ता हो गए। हाँ दोस्तों कार्लिटो कहते हैं कि देखो तुम गलत बंदे को ब्लेम कर रहे हो, लोगन पॉल ने जो किया वो किया, लेकिन एक गद्दार है हमारे बीच में जिसको तुम्हें ब्लेम करना चाहिए, वो है ये बंदा सेंटोस एस्कोबार। इसने ही जानबूझ के ब्रास नकल जो है रिंग में छोड़ दिया, ये चाहता तो लेकर भी जा सकता था लेकिन इसे जानबूझ के छोड़ा है। जिस पर दोस्तों रे मिस्ट्रो कहते हैं यार तू क्या कह रहा है, वी आर फैमिलिया। जिस पर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है वहां दोस्तों एस्कोबार कहते हैं यार इसको कोई चुप कराओ, धक्कन धक्की हो जाती है दोस्तों। कार्लिटो धक्का दे देते हैं और एस्कोबार वहां से भाग जाते हैं दोस्तों। ऑडियंस में से होकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि अंदर कार्लिटो का दोस्तों मैच बिगन हो जाता है बॉबी लैशली के खिलाफ, बॉबी लैशली की एंट्री हो जाती है। मैच दोस्तों काफी अच्छा था और इसके अंदर दोस्तों में एंड में चीज देखने को मिलती है आउटसाइड स्ट्रीट प्रॉफिट की इंटरफेरेंस हो जाती है, एलडब्ल्यू भी भिड़ जाती है। इसी गहमे गहमे के बीच में दोस्तों बी फैब जो कि मैच को बैक स्टेज से देख रही थी उन्हें दोस्तों अशांटे लेकर चले जाते हैं। दरअसल बी फैब जुड़ने की कोशिश करी स्ट्रीट प्रॉफिट में। और यहां दोस्तों मैच की बात करूं, अंदर मैच में होता यह है कि लैशली स्पीयर लगाकर इस गहमा गहमी में मैच को जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों वहां एलडब्ल्यूओ एंड स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में भसड़ होती है। एस्कोबार आते हैं रेस्क्यू करते हैं अपने दोस्तों को, लेकिन अंदर देखते हैं जब कि कार्लिटो को पीट रहे हैं तो कुछ नहीं करते हैं। रे मिस्ट्रो आ जाते हैं जो कि चेयर से दोस्तों डराकर स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को भगा देते हैं। वहां दोस्तों एस्कोबार क्या करते हैं कि उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि रे मिस्ट्रो पर ही अटैक कर देते हैं। रे कहते हैं कि तू अटैक क्यों कर रहा है, जिस पर दोस्तों दो तीन थप्पड़ जड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों एस्कोबार ने जो किया काफी शॉकिंग था। वहां दोस्तों एस्कोबार एपरन पर से धक्का दे देते हैं रे मिस्ट्रो को टांग फंस जाता है वहां दोस्तों स्टील स्टैप में। और उसके बाद दोस्तों ड्रॉप किक लगाते हैं उसी स्टील स्टैप पर, एस्कोबार और रे की दोस्तों टांग फूट जाती है। इस दौरान दोस्तों वेगा आकर एस्कोबार से कहती है कि तुम यहां से चले जाओ। तो यहां दोस्तों रे मिस्ट्रो को इंजर्ड कर दिया और रे मिस्ट्रो दोस्तों मेरे हिसाब से धोखा देने खाने वाली मशीन है, क्योंकि रे को जितने लोगों ने धोखा दिया मैंने नहीं देखा है कि उतना किसी ने किसी को धोखा दिया हो। रे को हमेशा दोस्तों कोई ना कोई धोखा दे ही जाता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बेली का एंट्रेंस। बेली का एंट्रेंस हुआ और गाइस बेली जो है ये चीज कह दी कि उन्हें कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो कुछ क्राउन जोल में हुआ उनके लिए काफी शॉकिंग था। वो प्लान बनाती है लेकिन इस बार प्लान जो है थोड़ा सा डिफरेंट गया और ऐसे में वो जवाब चाहती है स्काई से। स्काई आती है अलॉन्ग विद दोस्तों डकोटा काई एंड ऑब्वियसली कायरी सेन। कायरी सेन को देखकर दोस्तों बेली काफी नाखुश नजर आती है। ये चीज कहती है यार मैं मानती हूँ कि तुम इसकी दोस्त हो और डकोटा भी अच्छी दोस्त बन गई है, लेकिन आखिरी बार जब मुझे कायरी सेन मिली थी तो हम लड़ रहे थे। जिस पर दोस्तों क्लिप दिखाती है जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है, कायरी सेन कहती है कि मैं तेरे साथ जितने भी पास्ट में चीजें रही है उसे भुलाने के लिए तैयार हूँ और मैं तुझे माफ करती हूँ, आई फॉरगिव यू। जिस पर दोस्तों सभी के सभी गले लगते हैं। इन द मेन टाइम दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है बियांका बेलेरा जाती है और ये चीज कहती है भरत मिलान बंद करो, रही बात तुम्हारी तो तुम सोच रही हो कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। जिस पर शार्लेट फ्लेयर की एंट्री हो जाती है और ये चीज कहती है वो कि मतलब हमारे पास एक और औरत है जो कि शायद से तुम्हारे खिलाफ है, और कायरी सेन को बधिबांधी जानती है जो कि नन अदर देन आस्का निकलती है। और गाइस घूस बम्स आ गए, सच्ची बात बताऊं मेरे तो घूस बम्स आ गए क्योंकि आप जानते हैं इनका काफी पुराना संगम था लेकिन आज ये दुश्मन हो गई थी काबुकी वॉरियर्स। बात की जाए इसके बाद क्या होता है, यहाँ दोस्तों हम लोगों को 3 vs 3 मैच कंफर्म होते नजर आ गया था महिलाओं का, लेकिन उसका ड्रैगन ली का 5-स्टार मैच देखने को मिला। सच्ची बात बताओ ड्रैगन ली दोस्तों एक बंदा होता था अल्टीमो ड्रैगन, कुछ कुछ उनकी याद दिलाते हैं। और आज दोस्तों इनका मैच फिर से अलेक्जेंडर के खिलाफ था और मैच के बीच में दिस इज ऑसम की चैंट भी लगी। एब्सोल्युटली क्लासिक मैच। सही बात बताऊं जो क्रूजर वेट्स है ना इन्होंने बहुत जान भर दी इस मैडाउन में। मैच के अंदर दोस्तों कई क्रेजी मूवमेंट थे और एक जगह पर दोस्तों जो हमारे अपने अलेक्जेंडर है
वो ड्रैगन ली को फेंकते हैं रोप्स के ऊपर कॉर्नर पर, और वो गाइस स्पॉट काफी स्कैरी था, लेकिन उससे नुकसान नहीं हुआ। और एंड में दोस्तों रनिंग स्लाइश ब्रेड लगा अलेक्जेंडर को, यहाँ फिर से दोस्तों हमारा ड्रैगन ली जीत गया। अब गाइस हम देख रहे हैं ग्राफिक्स इस क्राउन जोल के, जहाँ रोमन रेंस ने एले नाइट को हरा दिया था। एले नाइट की एंट्री होती है, एले नाइट आते हैं और ये चीज कहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया है, ना ना ऐसा नहीं होने वाला है। देखो क्राउन जोल में मैंने कहा था कि मैं जीतूंगा, मैं नहीं जीत पाया, लेकिन ये सब जिमी उसको बदलौता है। अगर वो नहीं आता तो मैं सिर्फ एक इंच की दूरी पर था रोमन रेंस को हराने के। रोमन रेंस बिना सहायता के नहीं जीत सकता है। आगे वो चीज़ कहते हैं कि जिमी उसो ने काफी गलत किया और वो ब्लड लाइन का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक वो जिंदा है वो ब्लड लाइन को चेस करेंगे। रोमन रेंस को वो ओन करते हैं और वो चैंपियनशिप ओन करते हैं, जिस पर दोस्तों एंट्री हो जाती है वॉलर की। वॉलर कहते हैं रिंग के अंदर आगे, क्या तुम्हें वाकई लगता है तुम उस रिंग में खड़ने के लायक हो जिस रिंग में रोमन रेंस खड़ता है? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम टॉप गाय हो? बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यू आर नॉट द गाय, ये सच है। जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि इस पर दोस्तों एले नाइट आगे उनका रोस्ट मारते हैं और ये चीज कहते हैं कि बंदा भी कौन बोल रहा है जिसने एक एक्टर से मार खाई क्राउन जोल में। जिसके बाद दोस्तों आगे इन दोनों के बीच में भसड़ हो जाती है और फिर दोस्तों हमें बाहर ये भी चीज देखने को मिलती है कि केविन ओवंस जो है वो कमेंट्री टेबल पर हंसते हुए नजर आते हैं इस ब्रॉल के दौरान। और फिर दोस्तों इनका मैच होता है, मैच हुआ स्कूड, और इसके अंदर दोस्तों एंड में चीज देखने को मिली कि गाइस जो हमारे अपने एले नाइट है आसानी से BFT लगाकर मैच को जीत गए, और गाइस काफी तगड़ा सपोर्ट जनता की तरफ से उन्हें था। लेकिन उसके बाद दोस्तों केविन ओवंस ने ग्राफिक्स पर मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया वॉलर का एंड ऑस्टिन थ्योरी का, और उसके थोड़ी देर बाद दोस्तों हमें चीज भी देखने को मिलती है कि ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं दोस्तों वॉलर के साथ और ये चीज कहते हैं तुम हमारे चेहरे का मजाक उड़ा रहे हो। दरअसल दोस्तों ये चीज कह रहे थे कि वॉलर का चेहरा वैसे ही बना है जैसे कि लास्ट वीक बना था जब उन्होंने थ्योरी एंड वॉलर को मुक्का मारा था। ओवंस काफी मजे ले रहे थे, जिस पर दोस्तों वहां पानी फेंक दिया ओवंस ने ओवंस के ऊपर आकर दोस्तों इन दोनों ने, और उसके बाद दोस्तों ओवंस कहते हैं कि यार पानी वानी फेंका कोई बात नहीं, लेकिन माइकल कोल तुम पर बोतल फेंकी काफी बुरा लगा, जिस पर अटैक कर देते हैं वो इन दोनों के ऊपर, और खासकर दोस्तों वॉलर को स्टनर लगता है। तो यहाँ दोस्तों पिटने की मशीन बने हुए हैं दोनों के दोनों, बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था जिमी उसो का। जिमी उसो दोस्तों बैक स्टेज देखने को मिलते हैं। जिमी उसो दोस्तों ये चीज कहते हैं कि एले नाइट अगर तुझे मुझे फेस करना है तो नेक्स्ट वीक तू मुझे फेस कर सकता है, और इनका मैच कंफर्म हो जाता है। आगे दोस्तों जिमी उसको कहते हैं ठीक है तो नेक्स्ट वीक मैं तुझे हराने वाला हूं, यीट, जिस पर उन्हें फोन आ जाता है रोमन रेंस का। रोमन रेंस फोन पर शायद से ये चीज कहे यीट वीट मत बोल, वो जे उसका डायलॉग है, जिसके बाद फोन कटता है और जिमी कहते हैं नो यीट, और सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो यहां दोस्तों नेक्स्ट वीक हो गया है एले नाइट वर्सेस जिमी उसो कंफर्म, और प्लस यहां दोस्तों सोलो सिकोआ का रिटर्न भी नेक्स्ट वीक होने वाला। आज सीना की क्लिप्स दिखाई गई दोस्तों तब की जब वो डेब्यू किए थे और तब की जब सोलो ने उन्हें हराया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यू वाले फोकस कर रहे हैं सोलो सिकोआ वर्सेस जॉन सीना के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से रेसलमेनिया में हो सकता है नेक्स्ट ईयर की। और सोलो सिकोआ नहीं आया काफी बुरा लगा, प्लस एजे स्टार्स भी नहीं आया क्योंकि एजे तभी आएंगे जब सोलो आएंगे, तो नेक्स्ट वीक ही ये सब होगा। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन, जो कि था दोस्तों हमारे डैमेज कंट्रोल का मैच, जो कि फेस करी थी आस्का शावलेट एंड बियांका को। मैच अच्छा से शुरू हुआ था लेकिन गाइस मिड में एक बड़ा स्टंट देखने को मिल गया। वहां दोस्तों होता ये कि आस्का को टैग देने जाती बियांका, लेकिन आस्का टैग ही नहीं लेती है, उनका दोस्तों टैग नहीं लिया उन्होंने, उल्टा उनके ऊपर मिस्ट फेंक दिया एक तरीके से दोस्तों, आप कह लीजिए हिल टर्न कर दिया। और उसके बाद दोस्तों जो बाकी की मेंबर्स है उन्हें आस्का गले लगाती है और हमें नई डैमेज कंट्रोल देखने को मिली। ये सब देखकर दोस्तों बियांका ने शावलेट अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो फेल हो जाती है। शॉटी ब्लैक हार्ट की एंट्री होती है, वो भी फेल हो जाती है। यहां दोस्तों हम लोगों को शावलेट के ऊपर यो स्काई मूनसॉल्ट लगाते हुए और बियांका के ऊपर दोस्तों एल्बो ड्रॉप, जो कि दोस्तों इनसेन एल्बो रहता है, वो ड्रॉप देखने को मिलती है जो कि कायरी सेन लगाती है और स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। तो स्मैकडाउन का एंड दोस्तों इस वे में हुआ कि वॉर गेम्स का एक और मैच कंफर्म हो गया, जहां दोस्तों ये चार पांच महिलाएं जो भी है ये फेस करेगी दोस्तों बियांका की टीम को। बियांका की टीम में दोस्तों एक आध मेंबर अभी और जुड़ना है जो कि हमें पता चलेगा कौन रहता है। वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मैकडाउन कैसी थी। तो एब्सोल्युटली ट्रैश स्मैकडाउन थी, बिल्कुल घटिया स्मैकडाउन थी। रीजन दूंगा तीन बड़े। सबसे पहला, हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस नहीं थे। तो अगर दोस्तों स्मैकडाउन हो रही है तो उसका मेन चैंपियन होना चाहिए शो में। हम जानते हैं रोमन रेंस दोस्तों छुट्टी पर रहते हैं, लेकिन ये फॉल आउट था क्राउन जोल का, उन्हें आना चाहिए था, रोमन रेंस नहीं आया, तो सबसे पहली कमी तो मुझे लगी। दूसरी बड़ी कमी, अगर रोमन रेंस नहीं आते हैं तो ब्लड लाइन को तो होना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं क्राउन जोल के अंदर सबसे ज्यादा फोकस रोमन रेंस के मैचेस पर था। इवन दोस्तों जिमी उसो भी इन्वॉल्व थे, तो जिमी उसो दोस्तों अगर एक आध मैच भी दे देते तब भी चलता, अगर एले वर्सेस जिमी आज होता तब भी चलता, वो भी नहीं थे, वो भी दोस्तों बैकस्टेज ही देखने को मिले।
तीसरी सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी शो में वो था दोस्तों शो का फॉर्मेट। तो शो का फॉर्मेट दोस्तों कुछ ऐसा था कि शुरुआत दोस्तों हम लोगों को एक ह्यूज कॉन्ट्रोवर्सी से देखने को मिलती है जो कि रे एंड एस्कोबार के बीच में थी, लेकिन एंड भी दोस्तों वैसा ही देखने को मिला जो कि दोस्तों काफी बोगस फिनिश था। महिलाओं का मैच दोस्तों अच्छे से फिनिश किया जाता तब भी अच्छा लगता, वहां दोस्तों मैच भी डीक्यू में खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों मुझे तो स्मैकडाउन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। वेल ये न्यूज़ मुझे अच्छी लग रही है जो कि सीएम पंक से जुड़ी हुई है। तो जैसे कि आप जानते हैं गाइस सीएम पंक जो है अपने रिटर्न को लेकर रूमर्ड है और इस टाइम दोस्तों बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट कि गाइस जो क्रिएटिव प्लान्स है सीएम पंक से जुड़े वो नहीं सोचे गए हैं। तो सीएम पंक से रिलेटेड 200 डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स को भी नहीं पता है कुछ कुछ कोडी जैसा सिनारियो, और यहां आगे बताया जा रहा है कि इस मेजर रिटर्न को डब्ल्यू वाले कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूज सीक्रेट रखा जाए। पंक आएंगे, किसे फेस करेंगे, क्या रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे या फिर रॉलिंस को या फिर वॉर गेम्स में घुसेंगे, किसी को कुछ नहीं पता है ऐसा करके बताया जा रहा है। इन द मीन टाइम सीएम पंक ने वो चीज कर दी है जो कि मेरे लिए शॉकिंग है। ग्रेसन वॉलर जो कि करंट सुपरस्टार है जो कि स्मैकडाउन में भी थे, उन्होंने दोस्तों एक कैप्शन डाला था इंस्टाग्राम पर कोट करते हुए पंक को, जिसके अंदर लिखे थे आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड इवन ऑन कॉमेंट्री। तो यहां दोस्तों इसे कोट किया था उन्होंने, आप जानते हैं पंक का डायलॉग ये था, एक बार पंक ने ये चीज कही थी। और पंक दोस्तों इसी के ऊपर रिप्लाई देते हुए नीचे किसका इमोजी डाले हैं, तो सीएम पंक एंड वॉलर बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और इससे पहले रूमर्स थे कि पंक जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टार्स के साथ कहीं ना कहीं चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यहां दोस्तों जो दोस्त वो तो ये बना रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चीजें साफ हो रही है कि पंक दोस्तों अपने रिटर्न की नींव डाल रहे हैं। तो पंक शिकागो सर्वाइवर सीरीज में दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और जिन लोगों को नहीं पता है दोस्तों सर्वाइवर सीरीज 2 वीक्स में होगी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। वीडियो आज कितनी थी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा दोस्तों आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, प्लस हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।